बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन कामिल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में आपको ख्वाब में जिन्नात को देखने की या जिन को देखकर डरने की ताबीर बताई जाएगी। अगर आप ख्वाब में जिन को देखते हैं तो इसकी ताबीर ये है कि किसी मुसीबत या आफत या परेशानी में खुदा ना खास्ता आप मुबतला हो सकते हैं। और इसके अलावा ख्वाब में जिन्नात को देखना फितनों फसाद की अलामत भी हो सकता है, तकलीफ़ और परेशानी में मुबतला होने की अलामत हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ख्वाब में कोई जिन की आवाज़ सुनते हैं या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में जिन्नात वगैरह हैं और उनकी आवाज़ें आती हैं या कोई साया नज़र आता है ख्वाब में, तो ये इस बात की अलामत है कि आप को कोई नुकसान पहुंच सकता है, कोई आपको ज़र पहुंचा सकता है। तो इसका हल ये है कि आप सदका खैरात करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके तौबा तायब हो, अल्लाह ताला से इस मुसीबत से पनाह मांगें। और अगर आप देखते हैं कि आपने उस जिन से या किसी भी जिन से जो आपके घर में है तो आप उससे लड़ाई करते हैं, यानी उस पर कुरानी आयात वगैरह का वित करके फूंक रहे होते हैं उसे बचने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, तो ये इस बात की दलील होती है कि आप किसी मुश्किल से परेशानी से जो भी आप पर हावी होने वाली है उससे बचेंगे, उससे आप पनाह हासिल कर लेंगे। अगर कोई आप ख्वाब में देखते हैं कि चुड़ैल देखी है और ये चुड़ैल, क्योंकि आप जानते हैं कि चुड़ैल भी एक जिन्नात की किस्म ही है, तो ये इस बात की अलामत है कि आप पर कोई आजमाइश आएगी, आप पर कोई बुरी या कोई ख़तरे वाली खबर मिलने का इम्कान है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। बस आपने करना यह है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अच्छा, एक और इसमें किस्म है कि अगर आपने जिन्नात को काबू कर लिया है या आपने उसे पकड़ लिया है, आप उस पर हावी हो गए हैं, उससे लड़ने के बाद आपने उसे अपनी गिरफ्त में कर लिया है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके ख़िलाफ़ जो भी दुश्मन साजिशें कर रहा है, जो भी आप पर रुकावटें डाल रहा है, उसे आप हरा लेंगे और आपको फतह नसीब हो जाएगी। और अगर आप ये देखते हैं कि जिन ने आपको कोई तोहफ़ा दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, कोई चीज़ दी है और आप उससे वो चीज़ ले लेते हैं, तो इसका यह मतलब है कि आप खुदा ना खास्ता नाजायज़ तरीके से दौलत का हसूल करेंगे। तो आपने इसे बचना है और अपने आप को इस्लाम के असूलों के मुताबिक ही रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारे इस चैनल यकीन कामिल और वज़ाइफ़ की भी हौसला अफज़ाई होगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।